हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपी जीके के क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। 992 जो पोस्ट कोड है आपका, उसका ये पेपर है। क्लर्क का पेपर हुआ था 992 कोड, उसका पेपर है। उसके जो एचपी जीके के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 46 से लेके आपके 70 तक के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में देखेंगे भी कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो प्रथम सूचना आयुक्त की बात की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी किया गया है, पीसी राणा क्या थे, प्रथम सूचना आयुक्त थे, ठीक है। अब बात करते हैं एस चक्रवर्ती, ये फर्स्ट गवर्नर थे, ये आपने ध्यान में रखना है। एनसी मेहता प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और पीसी कटोच से बात की जाए तो पीसी कटोच से एक नाम सामने आता है, के एस कटोच, ये फर्स्ट एचपी पीएससी के अध्यक्ष थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, के एस कटोच थे प्रथम अध्यक्ष, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है, शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ। तो जो ऑल इंडिया रेडियो सेंटर है वो किस वर्ष स्थापित हुआ, इसका राइट आंसर फाइनल आंसर के में ऑप्शन ए सही है, ठीक है, किया हुआ। तो 1955 में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे है आपका, पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की। तो पंजाब पुनर्गठन आयोग था 1966 में बना, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर की में इसका राइट आंसर कौन सा बताया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बताया है, जेसी साहा, ठीक है। जेसी साहा थे पंजाब पुनर्गठन आयोग के, उसके उस समय इनकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब बात करते हैं फजल अली आयोग की बात की जाए तो 22 दिसंबर 1953 को ये बना, ठीक है। इसमें तीन सदस्य थे, एक फजल अली था, एक था आपका एच एन कुंजूर, ठीक है, और एक था के एन पाणिकर, ये तीन सदस्य थे इसमें। इसमें फजल अली एक इनका अध्यक्ष था, ठीक है। तीन सदस्यीय ये आयोग था, ठीक है। 22 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई, फजल अली आयोग की, ठीक है। इस आगे है क्वेश्चन, चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है। तो जो चंद्रा और भागा घाटी के लोग हैं वो जो नव वर्ष में उत्सव मनाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन बी किया है, हालदा त्योहार, ठीक है। हालदा त्यौहार को क्या है, दिसंबर और जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। और यह दिवाली, यह इनकी जो चंद्रा और भागी की घाटी के लोग होते हैं, इनकी एक किस्म से एक दिवाली होती है। इसमें लैंप और दिया नहीं जलाया जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेंसिल की छड़ियां लेके उन्हें जलाया जाता है, ये मान्यता है। जगमोहन बलोखरा में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और जो गोची है, गोची केलोंग की बात की जाए तो गोची त्यौहार क्या होता है, गोची त्यौहार भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है। और ये बीते वर्ष जिन घरों में पुत्र को जन्म दिया है वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। और ठीक है, बात की जाए तो जो केलोंग है, केलोंग के गुमरंग में ये मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जो गोची है ये जो आपका केलोंग के गेमरंग कोटी में जनवरी अथवा फरवरी में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार केलोंग के गेमरंग कोटी में जनवरी तथा फरवरी में आयोजित किया जाता है। परंतु इसमें क्या होता है, इसके आयोजन की तिथि कौन निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में बन सकता है। तो आयोजन की तिथि है जो, वो आपका जो देवता है लामा वो निर्धारित करता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। करता है, ठीक है। और ये तो हमने देख लिया कि बीते वर्ष जिन घरों में पुत्र पैदा होता है वहां पर ये त्योहार मनाया जाता है।
ठीक है। आगे गैमोर की बात की जाए तो गैमोर गोंपा तो लाहौल स्पीति में है, ठीक है, ये भी अपने ध्यान में रखना है। साथ में बात की जाए तो गैमोर स्थान पे क्या होता है, गैमोर गोंपा में जुलाई में शिशु मेला मनाया जाता है, ठीक है, परंतु जो शिशु मेला है वो जून में कहाँ लगता है, तो जून में शिशु गोंपा में लगता है और जुलाई में ये गैमोर गोंपा में लगता है, ठीक है, शिशु मेला। और जो गोंदला है, गोंदला में ये जो गोंदला स्थान है जिसे मणि गोंपा में, ये जो गोंदला के स्थान मणि गोंपा में ये अगस्त में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका 50-50 में क्या है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन आपका डी बताया है, मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाहन की बात की जाए तो हाँ, नाहन में जो सिरमौर को पीच ऑफ बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, पीच बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सिरमौर को जो नाहन है, जो नाहन सिरमौर में पड़ता है, ठीक है, तो सिरमौर को क्या कहा जाता है, पीच बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ये हमने देख लिया, छोटी काशी मंडी को कहते हैं। कुल्लू घाटी की बात की जैसे वैली ऑफ गॉडेज भी कहा जाता है, वैली ऑफ गॉडेज भी कहा जाता है। चंबा की बात की जाए चंबा घाटी को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है हाटू पोर्ट, हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है, हाटू पोर्ट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए कि हाटू पोर्ट है जो वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया और भाषण दिया, सोलन और हिमाचल का भ्रमण कब किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी, 1939 में। 1939 में एक और घटना हुई, गोलीकांड हुआ था, दामी गोलीकांड, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। महात्मा गांधी कब कब हिमाचल में आए, तो 1921 में आए, 1931, 1939, 1945 और 1946, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुमन रावत है, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे है चंबा काश्तकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली, तो किसने गहन रुचि ली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने रुचि ली। अब साहिल मरवन की बात की जाए, इन्होंने चंबा नगर की स्थापना की और चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन ने की, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चंपावती की बात की जाए तो ये साहिल वर्मन की पुत्री थी, इन्हीं के नाम पे चंबा शहर का नाम रखा गया, ठीक है। आगे है कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी, ठीक है। अब बात करें हम थोड़ा इसे डिटेल से देखते हैं, ये नगाड़ा शैली या सीकर शैली में निर्मित है, कांगड़ा का मशहूर रॉक मंदिर, इसमें भगवान राम और शिव के क्या है मंदिर है, शिव के मंदिर है, और इसमें मुखिया मंदिर की बात की जाए ठाकुर का द्वारा मुखिया मंदिर है, और शिलाओं को काट कर जो मंदिर बनाने का कार्य है वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के समय में शुरू हुआ। और बात की जाए इसे पूरा कब किया गया, कांगड़ा के मशहूर रॉकट मंदिर को, 15 मंदिरों का एक समूह है, इसे पूरा किया गया राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के समय में इसे पूरा किया गया, ठीक है। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया है, 1527 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ये मेला, ठीक है, किसने प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन डी, अजवर सेन ने प्रारंभ किया। अजवर सेन की बात की जाए मंडी कस्बे की स्थापना इन्होंने की, और ये बाहू सेन का 19वां वंशज था अजवर सेन। भूतनाथ मंदिर का भी इन्होंने ही निर्माण करवाया, अजवर सेन ने ही, और जो मंडी का शिवरात्रि मेला है वो इन्हीं ने प्रारंभ किया था, अजवर सेन ने ही, और 1527 ईस्वी में ये पहली बार बनाया गया था, ठीक है। और श्याम सेन की बात की जाए, इन्होंने श्यामा काली मंदिर का निर्माण करवाया, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे, आर्य कहाँ से हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य एशिया से। तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि आर्य किस दर्रे से भारत में आए थे, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, आर्य किस
दर्रे से भारत में आए थे। ये क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में, तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन 58। यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? यूएस क्लब है जो, वो शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास स्थान था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, समर सर जरमिहा वारंट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रिपन की बात की जाए, हॉस्पिटल का डिजाइन किसने किया? लॉर्ड जो रिपन हॉस्पिटल है उसका डिजाइन हेनरी इरविन ने किया था, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपका 59। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? विधानसभा का प्रथम स्पीकर की बात की जाए तो कौन था दोस्तों, प्रथम स्पीकर की बात की जाए तो विधानसभा प्रथम स्पीकर की बात की जाए तो जयवंत राम। ऑप्शन आपका डी किया है फाइनल आंसर की में सही, तो यही सही आंसर है, जयवंत राम। ठीक है, और बात की जाए विद्या स्टोक्स, विद्या स्टोक्स प्रथम महिला विधानसभा, जो प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर थी, महिला फर्स्ट महिला विधानसभा स्पीकर थी विद्या स्टोक्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेन थोड़ा सा। आगे है 60 क्वेश्चन। 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो कौन था बुशहर राज्य का शासक? तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन ए सही किया है, शमशेर सिंह। ठीक है, आगे है भागल राज्य की स्थापना किसने की? 61। इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी, अजय डे ने की। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूजन लग रही है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आगे सुंदर नगर शहर का पुराना क्या नाम था? सुंदर नगर शहर का पुराना क्या नाम था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 62 का ऑप्शन डी, बारेद, मतलब बनेड नाम था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? 63 का ऑप्शन ए, समय महेश्वर सिंह थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? किसने किया ये? तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। कितनी पुस्तकें थी? 13,000 के आसपास थी। ठीक है, तो इनका इन पुस्तकों का अनुवाद करवाया था इन्होंने। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा पर प्रथम आक्रमण कब किया, मतलब कांगड़ा पर आक्रमण कब किया। उसके बाद है कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिला के साथ साझा नहीं करता? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बन जाएगा 65 का ए, बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, चंबा करता है। ठीक है, चंबा ऊपर से लगता है, ऊना भी लगता है, मंडी भी लगता है, मंडी सेंटर में है तो ये भी लगते हैं। ठीक है, मारकंडा खंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? मारकंडा खंड की बात की जाए तो 66 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिरमौर में। ठीक है, आगे है 67। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है या स्थित है, लोकेटेड की बात की जाए तो नाको किन्नौर में, नाको किन्नौर का एक गांव है वहां पर ये झील है। ठीक है, स्केटिंग के लिए मशहूर है और यहाँ ये गुरु पद्म संभव के लिए से संबंधित है ये झील। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में एक तो सूर्य ताल, एक चंद्र ताल है और दीपक ताल भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा की बात की जाए भागसूनाथ डल झील, ये कांगड़ा में है। चंबा की बात की जाए खजियार है, गड़ासूर है, मणिमहेश है और लामा झील है, चंद्र प्यूप है झील है और महाकाली है, चमेरा, ये सब क्या है, चंबा की झीलें हैं। सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी की बात की जाए तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये दोस्तों आपके कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 68 में, ऑप्शन फाइनल आंसर की में आपका बड़हल के
समीप से ये शिमला में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी सही है। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो सिगड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 69 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 70 का ऑप्शन डी, मनाली। ठीक है, मनाली नहीं आता। मनाली की बात की जाए तो मनाली आपका मनाली का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि ये किस शिवालिक रेंज में आता है, किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिवालिक नहीं, किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन आज के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। यदि किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, साथ में अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप हमें सुझाव दीजिए कि इस सेशन को और कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।